एशिया कप 2023 का होस्ट पाकिस्तान है। पाकिस्तान हिंदुस्तान को न्यूट्रल वेन्यू की ऑफर दे रहा है। जय शाह टेंशन क्रिएट कर रहा है से हटाकर जो है श्रीलंका में एशिया कप करवाने के प्लान में है बीसीसीआई। बीसीसीआई मतलब एसीसी और बीसीसीआई का मतलब जो है आईसीसी भी हो जा रहा है। इस समय वर्ल्ड क्रिकेट को अगर कोई सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो पैसे की बदौलत हो जो भी हो, वो बीसीसीआई ही कर रहा है। तो आखिरकार जो है डिसीजन जो है वो बीसीसीआई के ही पक्ष में जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे आइडियोलॉजी के तौर पे, आइडल तौर पे, तो ये बुरा है। ये बुरा है क्योंकि इस तरीके से जो है ना क्रिकेट बचेगा और ना ही कोई फैंस बचेगा। मैं हमेशा ये बात जरूर जिक्र करता रहता हूँ कि हम लोग जो है गलत जनरेशन में पैदा हो गए हैं, जहाँ पे हमारी जवानी जो है भारत और पाकिस्तान का बायलेटरल सीरीज देखे बगैर जो है खर्च हो रहा है। मतलब ये हमारी जवानी और आने वाली पीढ़ियों को क्या पैगाम देंगे, बिल्कुल भी बताने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। हालांकि हम 90s में पैदा हुए वाले लोग हैं, तो इसलिए 2004, 2006, 7 और 2005 में जो भी 2012 तक हम लोगों ने आखिरी जो है सीरीज देखी, तो उसके बाद जो है आईसीसी टूर्नामेंट में ही जो है भारत और पाकिस्तान को खेलते हुए देखा है। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि अगर क्रिकेट को बचाना है, अगर आप चाहते हैं कि क्रिकेट में थोड़ा सा भी रोमांच बचा रहे, क्योंकि T20 का इतना ज्यादा प्रभाव हो गया है, हर जगह फ्रेंचाइज लीग शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट को तो हटाने की भी बात अब हो रही है कि इसमें कुछ रोमांच नहीं बचा है। लेकिन मेरा हमेशा यह मानना है कि अगर क्रिकेट को आपको जिंदा रखना है तो भारत और पाकिस्तान का मैच होना लाजमी। आप मैच करवा दो, बोरिंग कभी भी नहीं होता है। लेकिन ये जो खबर मैंने सुना है कि एशिया कप जो है अब श्रीलंका हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और अगर श्रीलंका शिफ्ट नहीं हुआ, पाकिस्तान इस पे अड़ा रहा कि नहीं हम लोग जो है अपने पाकिस्तान में ही कराएंगे, तो फिर एशिया कप कैंसिल हो जाएगा। और जो है फाइव नेशन थ्योरी जो निकलकर सामने आई थी कि बीसीसीआई जो है पांच देशों का एक टूर्नामेंट उसी जो है विंडो में करवाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज ठीक नहीं हो रहा है। चाहे बीसीसीआई की तरफ से ही ज्यादा हो रहा है, लेकिन अब ठीक नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने तो प्रपोजल इतना तक दिया हुआ था कि अगर आपको पाकिस्तान नहीं आ रहे तो हाइब्रिड मॉडल पे काम कर लेते हैं। हाइब्रिड मॉडल का ये मतलब हो गया कि आप यूएई में सारे मैचेस खेल लें। लेकिन खबर ये आ रही है कि बीसीसीआई जो है यूएई में इस गर्मी काफी ज्यादा रहती है, खिलाड़ियों को इंजर्ड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो हम ही नहीं भरा है, बोला है कि नहीं भाई हम पाकिस्तान से ही जो है एशिया कप की जो होस्टिंग राइट्स नहीं छीनेंगे, लेकिन श्रीलंका में हम करवाना चाह रहे हैं। ये प्रपोजल्स रखा है। कल रात में ही नजम सेठी जो है रातों रात दुबई गए हुए थे, वहां पे मीटिंग्स हुई हैं और तमाम चीजें जो निकलकर सामने आई है। इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया हुआ, अभी तक पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ भी बयानबाजी नहीं हुआ है। पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट है या फिर पीसीबी है, वो इस बात को डिनाई कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल जो भी आउटकम निकल के आया वो क्रिकेट के पक्ष में आया है, और जो बीसीसीआई कर रहा कहीं ना कहीं ये गलत। हाँ, नजम सेठी ने बावर कराया है और उन्होंने बीसीसीआई के चेयरमैन जय शाह को कहा है कि हम आपको न्यूट्रल वेन्यू के ऑप्शन देते हैं। यूएई में न्यूट्रल वेन्यू हो सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आते तो आपके लिए न्यूट्रल वेन्यू जो है जो एपर मॉडल उन्होंने पेश किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, बाकी तमाम टीमें पाकिस्तान